नाथ द्वारा आज डॉक्टर सीपी जोशी का नामांकन है। कुंभलगढ़ में 2 तारीख को एक और नामांकन था, वहाँ आज एक और नामांकन है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह भर रहे हैं। 2 तारीख के जिस नामांकन की बात कर रहा हूँ वो एक बड़े युवा चेहरा इस बार कांग्रेस से लेकर आई है, योगेंद्र सिंह परमार। क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, युवा रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं और आज हमको मिल गए हैं। नामांकन हो गया है, आज वहाँ भी नामांकन चल रहा है, नज़र बनी हुई नहीं बनी हुई सुरेंद्र सिंह कितनी भीड़ लेके आए? नहीं नहीं कोई नज़र नहीं है, सब प्रत्याशी अपना अपना काम करते हैं। आते हुए गाड़ियाँ खाली जरूर जाती देखी थी मैंने। अच्छा। जिसमें किसी में 5 जने थे, किसी में 2 थे, एक गाड़ी में तो एक ही देखा मैंने। आज डॉक्टर सीपी जोशी का नामांकन है, अशोक गहलोत आए हुए हैं, आगे आने वाले चुनाव में कुछ इसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा साहब, अशोक जी गहलोत का पूरे राजस्थान में असर है, उनकी योजनाओं का साथ गारंटी वो ला रहे हैं, वो आम जनता के लिए ला रहे हैं और बहुत इफेक्टेबल असर रहेगा। हर आदमी इससे जुड़ना चाहेगा, हर आदमी इनसे तो जुड़ रहा है जी। आपका जुड़ा हुआ भाजपा से जुड़ गया एक आदमी, मुख्य आदमी है आपके दावेदार सूरज सिंह जी उधर चले गए? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता है अगर वो पार्टी के साथ है, जैसे कि हम शुरू से मैं कह रहा था कि मैं इनके साथ हूँ, तो अब उनके मन में ये बात थी कि वो पार्टी के साथ नहीं है, वो स्वार्थी है, स्वार्थ के साथ है, तो वो चला गया। अब जिसकी जैसी भावना होए, प्रभु मुहूर्त देखिए बिन जोए, ये एक कहावत है, तो उन्होंने देख ली, उन्होंने सोचा कि उस तरफ जाने में फ़ायदा है, उनको दिख जाएगा कितना फ़ायदा है कितना नहीं है। तो सुरेंद्र सिंह जी ने बाजी तो जोरदार खेल दी, कोई बाजी नहीं खेली, मेरे ख्याल से कोई बाजी नहीं खेली। एक दल बदलू लोगों के साथ मेरे ख्याल से जनता पहले भी नहीं रहती, आज भी नहीं रहती, लोग समझते हैं। उसके बाद कुछ सामाजिक आपके मीटिंग भी हुई है, बताया जा रहा है कि वो जो अध्यक्ष थे उनको वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया है, नए अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं, तो अब ये भी सब चीज़ें चल रही है, बड़ी तेज़ी से चल रही है। सुबह ज्वाइनिंग होती है और शाम, सुबह पार्टी में ज्वाइनिंग होती है, शाम को समाज की बैठक से विदाई हो जाती है। नहीं, जैसे मेरे सुनने में आया कि सगरुण में थोड़े दिनों पहले मीटिंग थी जिसमें समाज के सभी लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें मैं भी गया था। हम लोगों ने वहाँ पर कसम खाई थी और ये बात कही थी कि सूर्य सिंह जी ने कहा अगर इनको मिलता है टिकट तो मैं साथ में रहूँगा, और मैंने कहा था कि अगर उनको मिलता है तो मैं तन बन धन से इनके साथ में रहूँगा, लेकिन उन्होंने अपनी बात छोड़ी और वो उस पद का दुरुपयोग करते हुए अध्यक्ष होते हुए उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन कर ली बीजेपी। इसको लेकर उस ट्रस्टीगणों ने यह फैसला लिया, अब उनकी बात है। अंदर खाने बात यह भी चल रही है, सुनने में यह भी आ रहा है कि हो सकता है 6 तारीख को कैलाश मेवाड़ा नामांकन करते दिखाई दे। अब उनकी इच्छा करे तो बढ़िया है, हमको जितनी ज़्यादा चुनौती मिलेगी उतने हम निखरेंगे। आखिर में सवाल, कुंभलगढ़ इस बार 2008 दोहराने वाला है या मामला 13-18 वाला ही रहने वाला है? नहीं नहीं, कुंभलगढ़ इस बार कांग्रेस विजयी पाएगी, विजय पाएगी, जितने भी आ जाएं, कुछ भी हो जाए। राजस्थान विधानसभा का युवा विधायक मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगा, और मैं तो कह रहा हूँ सभी युवाओं के लिए एक चांस है, सब युवा विधानसभा में पहुँचेंगे। थोड़े दिनों पहले मुझे आपके पिताजी मिले थे, गणेश सिंह जी, मैंने कहा योग किसके बैठे हैं, क्या योग ही बिठाने हैं? तो ये देखिए आप, आखिर में जो टिकट तक की लड़ाई है उसमें तो योग बैठ गए हैं। गणेश सिंह जी ने मुझे कहा था कि हम योग होंगे तो मिलेंगे, मैंने कहा योग अगर योग से मिलेगा तो योग आपके पास ही है, उस दिन मैंने कहा था, वो योग ये पास में खड़े हैं। योगेंद्र सिंह इस बार मजबूत ताल ठोक रहे हैं, युवा चेहरे के सहारे कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को अपने पाले में लाया जाए। तमाम राजनीतिक कवायदें चल रही है, मगर विश्वास जताया है कि इस बार 2008 वाला परिणाम दोहराया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होती है कि आखिर इस राजनीतिक उठापटक के बाद परिणाम क्या निकलते हैं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।